दोस्तों वेलकम टू इंडियन सस्टेनेबल फार्मिंग चैनल। दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज मैं अपने पॉली हाउस में हूँ। तो ये देख सकते हैं आप ब्रोकली प्लांटेशन की हुई है मैंने, तो ऑलमोस्ट लगभग जर्मिनेशन भी अच्छी हुई मेरी, और जो सेटअप है ट्रांसप्लांट करके तो भी देख सकते हैं आप 99% अबाउट टिक चुकी है मेरी सारी बढ़िया ढंग से। तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी चली हुई है काफ़ी कंपेरेटिवली, इसमें भी कोई डिफिशेंसी नहीं दिख रही मुझे अभी हालांकि। तो अभी जो भी मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा तो आपको दिखाता रहूँगा। तो ये है मेरी प्लांटेशन, तो अभी 560 स्क्वायर मीटर में प्लांटिंग चली हुई है नर्सरी ट्रांसप्लांट की। तो फर्दर जो भी रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, लेकिन जिस हिसाब से जो लगाई गई है आप देख सकते हैं मेथड, ये दोबारा मल्च यूज़ की गई है, तो अब इसमें बेटर दिखेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू ओपन फार्मिंग में आप देख सकते हैं कि पानी की भी खपत बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें हालांकि उतना पानी नहीं लगता, जो आपकी बीमारियाँ वगैरह तिल्ला वगैरह लगता है इसमें, तो वो भी बहुत कम लगता है इसमें बीमारी पॉली हाउस में जो होते हैं अंदर। तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू ओपन फार्मिंग तो मुझे अच्छा लगा। अब देखते हैं क्या रेट रहते हैं आगे और किस तरह भी चलता है इसमें, क्या रिजल्ट शो करता है। देख सकते हैं मैंने डंप किया हुआ है सारा पॉली हाउस इस टाइम। तो इसमें क्लाइमेट अबाउट 25-30 के बीच में रहता है, और डंप करके ही है ये फ़िलहाल। तो ओपन में तो टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है इसमें, तो यही है देखते हैं इस बार क्या रिज़ल्ट देती है। फर्स्ट टाइम फार्मिंग है मेरी इसमें ब्रोकली, तो जो भी आउटपुट निकलेगा मैं दिखाऊंगा आपको इन फ्यूचर। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर गाइस।